हेलो जी, नमस्ते। वैसे तो हम सबको पता ही है, हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ के मंदिर और यहाँ की परंपराओं ने अपने में ही एक अलग सी छवि बना के रखी हुई है, जिसे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बहुत ही प्यार से संजो कर रखा हुआ है। तो आज मैं आपको ले जा रहा हूँ शिमला के प्रसिद्ध मंदिर तारा माता के मंदिर में। ये मंदिर शिमला डिस्ट्रिक्ट से 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलो अब अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। ब्लॉग माता रानी के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो जय माता दी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम जा रहे हैं तारा माता के मंदिर। आप सबको पता ही है, तारा माता का मंदिर डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। इस मंदिर की दूरी ओल्ड बस स्टैंड से लगभग 20 या 25 किलोमीटर है। इस सफर की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि कैसे कैसे तारा देवी माता के मंदिर पहुँचा जाए। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत प्लेस में है। तो चलो आज आपको तारा माता के मंदिर घुमाते हैं और करवाते हैं एक खूबसूरत से दर्शन। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ, तो हाँ जी, फिर क्या हाल चाल आप सबके? सभी बढ़िया एंड हिप हॉप एंड टिप टॉप है ना? मैं बहुत बढ़िया हूँ, यानी कि एकदम फर्स्ट क्लास। तो चलो अब अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। ये जो हमारा सफ़र है, ये ISVT शिमला से स्टार्ट हो रहा है। ये न्यू बस स्टैंड है शिमला का। अगर आप तारा माता के मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको जो रोड पकड़ना पड़ेगा वो पकड़ना पड़ेगा सोलन वाला, जो कि चंडीगढ़ जाता है। उस रोड से आपको जाना है शिमला से सोगी तक। सोगी से थोड़े से ही पीछे जो मेन बाजार है उससे थोड़े से पीछे एक चौक आपको दिखाई देगा, वहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। उस टर्न से आपको 3-4 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा। वहाँ पर एक और चौक आएगा, वहाँ पर माता रानी का बोर्ड भी लगा होगा। वहाँ से भी आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। उस लेफ्ट टर्न लेने के बाद आपको 3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, फिर आप माता रानी जी के मंदिर पहुँच जाएंगे। तो जी, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ये उनके लिए थी जो अपनी गाड़ी या टैक्सी करके आ रहे हैं, उनके लिए। तो जी, जिस जगह में अभी हम पहुँचे हैं, इस जगह को भी तारा देवी कहते हैं, बट यहाँ पर माता रानी का मंदिर नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं उस चौक में जो सोगी वाला चौक है, ये वाला चौक। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है और ये आगे बाजार की तरफ रोड जा रहा है सोगी के, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। अगर आप आना चाहते हैं बस में, तो बस आपको शिमला के ओल्ड बस स्टैंड से मिल जाएगी, या आप ओल्ड बस स्टैंड में पूछताछ भी कर सकते हैं कि कितने बजे बस जाएगी। अब हम पहुंच गए हैं दूसरे चौक के पास। ये देखो, यहाँ पर माता रानी का बोर्ड भी लगा है। यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेंगे और ये रोड माता के मंदिर तक ही जाता है। क्या बोलते हो गाइस, मंदिर तो हम पहुंच गए, बट यहाँ पर पार्किंग आज बिल्कुल फुल है, इसलिए हमारी गाड़ी भी यहाँ नीचे लगी है और थोड़े से पैदल जा रहे हैं। तो पहले हम भी गाड़ी यहाँ तक ले आए थे, बट यहाँ पर पार्किंग ना मिलने के कारण हमें पीछे हटना पड़ा। ये देखो भाई, पार्किंग बिल्कुल पूरी तरह फुल हो रखी है, इसलिए हमें भी गाड़ी नीचे ले जाना पड़ी। तो अब मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। एक छोटा सा बाजार है मंदिर का, यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। प्रसाद तो आप यहाँ से ले लोगे, पर मंदिर तक पहुँचाना एक टास्क रहेगा। तो मंदिर तक आपको बहुत से बंदरों का सामना करना पड़ सकता है। इस रास्ते में आपको बहुत से बंदर मिल सकते हैं, इसलिए प्रसाद थोड़ा छुपा के ही लाएं, अपने जैकेट के अंदर या अपने किसी जेब के अंदर। मंदिर तो फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, माता तारा जी का मंदिर है, और इस साइड जो पीछे भीड़ देख रहे हैं आप, ये भंडारे के लिए।
मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए अंदर की वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ये कुछ मन्नतें मांगी होती है लोगों ने, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इसको बांध देते हैं एक पेड़ में। तो जी ये है मंदिर तारा माता जी का। ये मंदिर बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। माता रानी का मंदिर लकड़ी और पत्थर से बनाया गया है और इसके छत में पत्थर की स्लेट लगाई गई है जो कि बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ से जो व्यू आता है वो भी देखने लायक है। ये देखो, ये मंदिर एक ऊंची चोटी में है और इस मंदिर से जो पहाड़ दिखते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये देखो जी, मैंने कहा था ना यहाँ पर बंदरों से थोड़ा बच के रहना पड़ता है। ये प्रसाद जो हम लाए होते हैं चढ़ाने के लिए उसको उठा देते हैं या छीन लेते हैं। ये जो छोटा सा मंदिर है ये है बटुक भैरव जी का और इस मंदिर के साथ ही है माता रानी जी का मंदिर। ये क्या है, ये क्या है, क्या कर रहा है मंकी? क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। हम आए थे संडे वाले दिन, इस दिन बहुत भीड़ थी माता के मंदिर में। अगर आप भी बस में आना चाहते हैं तो आपके लिए भी संडे वाला दिन बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस दिन काफ़ी बसें ओल्ड बस स्टैंड से माता रानी के मंदिर के लिए चलती है। हाँ जी, कैसा लगा आपको माता का मंदिर? तो ये था तारा माता का मंदिर। अब हम दर्शन दूर्शन करके ही हो गए, अब हम भी भंडारा वाली लाइन में खड़े होने वाले हैं। तो जी आज है संडे और संडे वाले दिन भंडारा भी लगा होता है, तो हम भी भंडारे वाले लाइन में खड़े हो गए हैं। काफी लंबी लाइन लगी है। कहाँ है भंडारा? अंदर है। अभी तो बहुत लंबी लाइन लगी है। आप क्या करें? क्या करें तो आप बताओ। भूख लगी है कितनी? चार भूख लगी है। चार पाँच छः सात। क्या बना था भंडारे में? हाँ, क्या होता है, क्या बना था? तो भंडारा खा के हम फ्री हो गए, अब जा रहे हैं वैष्णो माता के मंदिर और वहाँ पर शिव मंदिर भी है। तो ये मंदिर थोड़े से आ गए हैं तारा माता के मंदिर से, तो वहाँ के लिए भी जा रहे हैं और वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम निकल जाएंगे घर की तरफ। फाइनली हम वैष्णो माता के मंदिर और शिव मंदिर पहुंच चुके हैं। इस मंदिर के अंदर भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं। ये जो आप लेफ्ट साइड को मंदिर देख रहे हैं ये शिव मंदिर है और ये राइट साइड को जो मंदिर है ये वैष्णो माता का मंदिर है। तो जी ये इस मंदिर की कहानी लिखी गई है जिसे आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो जी ये है सुंदर सा इस मंदिर का भवन।
इस मंदिर से भी जबरदस्त व्यू दिखाई देता है, ये देखो एक नंबर व्यू है। यहां से आपको शिमला का एयरपोर्ट भी दिखाई देगा, ये देखो ये शिमला का एयरपोर्ट है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो जी ये है शिमला का एयरपोर्ट। ये था माता तारा का मंदिर। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चंगा फिर मिलते हैं अगली बारी, तब तक के लिए बाय बाय।